हेलो दोस्तों, मैं वसीम सोनी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मेरे पास आपके लिए दो ऐसी अपडेट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसको सुनना और समझना आपके लिए बहुत ही अहम है। एक तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है और दूसरा है ईमेल के हवाले से, कि ईमेल जो बार बार ईमेल कर रहे हैं, इनको रिप्लाई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उनके हवाले से बात करेंगे हम। तो चलिए, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे वीडियो पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और अगर वीडियो को पसंद आए तो अभी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हम आप आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो बैंक स्टेटमेंट जेकर जिनकी 2-4 लाख का या जिनके पास कम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम, वो नया अकाउंट खुलवाते हैं तो 6 महीने की ट्रांजेक्शन के पास शो होती नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको ये ऐसा चाहिए कि वो अपने किसी भाई की, बहन की, अपने माँ की, बाप की वो स्टेटमेंट साथ में एफिडेविट बनवा के साथ में लगा सकते हैं। इससे ये उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, जिससे उनका पुराना रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भाई या उनकी बहन उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है ईमेल ब्लॉक के हवाले से। तो जो बंदे जिनको अभी तक ईमेल का जवाब नहीं आया, वो कोशिश करें कि बार बार ईमेल ना करें, क्योंकि इनका 10 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। 10 वर्किंग डेज़ में ही इन्होंने रिप्लाई करना था, अगर नहीं आता तो फिर आप इनको रिमाइंडर कर सकते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर करने का क्या तरीकाकार है कि आप जस्ट अपनी जो ईमेल आपने उनको भेजी है उन्हीं को ओपन करके उसी को आगे रिप्लाई करेंगे, और सब्जेक्ट में आप सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं कीजिएगा। अगर करना भी चाहें तो कर सकते हैं, मगर इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उनको रिमाइंडर सब्जेक्ट में रिमाइंडर लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो बातें तो आपकी होगी बहुत अहम, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये अभी आप इसमें देखे हैं, क्या कहते हैं, ये स्क्रीनशॉट में आप स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, ईमेल ब्लॉक हो चुकी है इस बंदे की। किस वजह से इस बंदे से रब्ता किया गया, तो मैंने इसने मुझे बताया कि मैं डेली 2 ईमेल करता, एक सुबह एक शाम। मैंने कहा अभी क्या बात है, तुम तो ऐसे ईमेल कर रहे थे, तुम्हें डॉक्टर ने बोला है कि सुबह शाम दवाई लेनी है। खैर, वो अब वो परेशान बैठा हुआ कि अब क्या करें, क्योंकि न्यू ईमेल से वो ईमेल कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरटेन उसी ईमेल से किया जाएगा जिस ईमेल से आपने वर्ल्ड यूथ डे को आपने वहाँ से ओपनिंग की या अकाउंट ओपन किया हुआ है या रजिस्ट्रेशन कराई है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उसको कोशिश कीजिएगा बार बार ईमेल ना करें, 10 वर्किंग डेज़ के बाद ईमेल का एक रिमाइंडर कर दें। और बाकी रही रिस्पॉन्स की बात ईमेल का ही और अपॉइंटमेंट की बात, तो देखें मेरा कज़न है, वो भी अभी से 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। वो भी बस 8-10 दिन बाद उसको रिमाइंडर कर देता है, मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी बार बार ईमेल ना करें, इससे आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो जो आपने पेमेंट की हुई है वो आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत मुश्किल मरहला है, इसके बारे में आपको ज़रा संजीदगी से काम लेना होगा, और इसके बारे में सोचिए, दूसरों को भी जरूर आगाह कीजिएगा इस बारे में कि बार बार ईमेल ना करें, जिससे परेशानी का सामना होना हो सकता है आपको। और दूसरी बात यह है कि फिर आज मैं जरा CV पे आया था दो दरिया पे, कराची में अपने दो दरिया, तो आप जानते ही होंगे दो दरिया पे। चले, मैं आपको थोड़ा दो दरिया दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग भी हो जाएगी। अभी देख रहे हैं कैसे तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट का इशू है, इस वजह से मैंने आज ग्लासेस भी पहने हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे लोग मछली का शिकार भी कर रहे हैं, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे मछली मिल नहीं सकती, यहाँ क्योंकि यह थोड़ा सा एरिए की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर पानी है ऐसा गंदा, जैसे बहुत तेज़ पानी है यहाँ पर, ज़्यादा ज़्यादा पत्थर है, इस वजह से यहाँ पे मछली नहीं लगती, और अगर कांटा फेंकते हैं तो वो जा कर पत्थरों में कहीं खो जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, कल के लिए इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, दुआओं में याद रखिएगा।